हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ये मेरे पास है टिफिन, है ना? टिफिन है ना, स्माइल करता हुआ टिफिन है। टिफिन से बनता है गिफिन, यानी कि गिफिन गुड्स पर, टिफिन का राइमिंग हो ना गिफिन, गिफिन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होते मेरे भाई। इस टिफिन को हम खोलते हैं, जरा देखो जरा इसमें से क्या निकलता है। ये टिफिन को हम खोल रहे हैं, ये इसको हमने खोला और इसमें से निकला है पहला डिब्बा। और इस बॉक्स में क्या है जरा देखते हैं। ये देखिए क्या निकला इस बॉक्स में से। इस बॉक्स में से निकली है मेडिसिन। मेडिसिन होती है दवाई, दवाई है एक नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? खानी पड़ती है भाई, प्राइस बढ़े घटे खानी पड़ेगी। अब निकालते हैं दूसरा डिब्बा, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। ये है हमारा दूसरा डिब्बा, इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। खुल जा भाई, खुल जा। अरे वाह, ये क्या निकला है? ये निकला है, ये देखिए, ये निकला है, ये महिलाओं का आइटम है, फैशनेबल गुड्स। फैशनेबल गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यार खरीदने पड़ते हैं, मजबूरी है, फैशन दुनिया खरीद रही है भाई, खरीदने पड़ते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं तीसरे डिब्बे में क्या निकलता है। तो बड़ा एक्साइटेड हैं हम लोग, क्या निकलेगा इसमें से भैया। ये तीसरा डिब्बा मैंने निकाला, देख इसमें से क्या निकलता है। इस डिब्बे में निकलता है क्या, ये देखिए, ये है छाता। सीजन में इसका इस्तेमाल होता है, रेनी सीजन में इसका इस्तेमाल होता है। छाता हो गया रेनी सीजन वाला, सीजनल गुड्स, इस पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। खरीदना ही पड़ता है भाई, मजबूरी है, भीग जाएंगे छाता नहीं खरीदेंगे तो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या निकलता है। इसमें से निकला है ये छोटा डिब्बा, इसमें क्या है, लास्ट डिब्बा था ये, देखते हैं इसमें से क्या निकलता। ओके, इसमें से निकली है पल्स टॉफी, एक दो तीन चार पांच, पांच पल्स टॉफी इसमें से निकली है। और पल्स टॉफी का मतलब ये हो गया कि पांच, वैसे इसमें और भी हैं, दो और भी हैं, पांच छह सात, सात पल्स टॉफी है। और हम ये मान के चलते हैं हमारे पास जो लोग हैं वो है पचास। पचास लोगों में सात पल्स टॉफी कैसे बिकेंगी, मतलब बिकेंगी कह रहा हूं, कैसे बटेंगी। तो पल्स टॉफी होगी शॉर्ट, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स की शॉर्टेज हो गई है। जब गुड्स की शॉर्टेज होती है तो वहां भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। और आखिरी में मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये लग्जरी कार। ये जो लग्जरी कार है ना, ये दिखावे की वस्तु है, लोग खरीदते हैं सिर्फ चलाने के लिए नहीं, दूसरों को जलाने के लिए भी। तो ऐसी कार पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इनको बोलते हैं स्टेटस सिंबल गुड या ऑस्टेंटेशन गुड्स। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।